हेलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन वी हैव अ सेलर गोस एट किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन फोर्टी मिनट्स एंड रिटर्न्स इन आवर ठीक है तो इसका मतलब वो एट किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाते जाता है फोर्टी मिनट्स में और देन वापस आता है तो मतलब अपस्ट्रीम का केस है तब वन आवर लग रहा है तो हमने ले लिया लेट द स्पीड ऑफ सेलर इन वाटर ठीक है हमने ये ले लिया बेटा एक्स किलोमीटर पर आर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले लिया हमने वाई किलोमीटर पर आर बी वाई किलोमीटर पर आर तो बेटा इन केस ऑफ अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी स्पीन? स्पीड स्पीड ऑफ बोट इन केस ऑफ अपस्ट्रीम बेटा एक्स माइनस वाई होती है ठीक है बट इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होता है दोनों स्पीड ऐड हो जाती है एक्स प्लस वाई हो जाता है रिलेटिव स्पीड की बात करें तो बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एट किलोमीटर डाउन स्ट्रीम टाइम क्या होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम कितना लग रहा है फोर्टी मिनट्स मिनट्स को आर्स में कन्वर्ट कर लिया डिस्टेंस कितना है एट किलोमीटर स्पीड है x प्लस वाई क्योंकि ये केस है डाउन स्ट्रीम का तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ टू टू ज़ार फोर टू थ्री ज़ार सिक्स टू फोर ज़ार एट तो x प्लस वाई बेटा यहाँ पर कितना आ गया फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व इसको मार्क कर दिया वन अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट इक्वेशन सेकेंड में क्या है बेटा वन आर लग रहा है मतलब वन आर कब लग रहा है बेटा डिस्टेंस कितना है तब सेम ही क्योंकि उतना ही तो रिटर्न हुआ और स्पीड क्या है एक्स माइनस वाई तो यहाँ से क्या मिल जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एट ठीक है ये हमारी हो गई बेटा सेकेंड इक्वेशन अब इनको अगर हम ऐड कर दें ऐड इक्वेशन वन एंड टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व एक्स माइनस वाईज इक्वल टू एट एड किया टू एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी एक्स आ गया बेटा टेन किलोमीटर पर आर एक्स टेन है किसी भी इक्वेशन में पुट कर देस इज इक्वल टू टेन इन इक्वेशन वन क्या हो जाएगा टेन प्लस वाईज इक्वल टू ट्वेल्व वाई आ गया बेटा टू किलोमीटर पर आर और यही हमें फाइंड करना था आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू थैंक यू